हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि कौन सा मैं अपकमिंग मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। और ये मैं ट्रेलर देखा और टीजर देखा और उसके बारे में रिव्यू, तो चलिए हम लोग फटाफट बताते हैं। जो ये अपकमिंग मूवी है उसका नाम है सूर्यवंशी, और इसको कौन डायरेक्ट किया है तो अपने रोहित सेठी, जो कि अपने स्टंट के लिए बहुत फेमस है। और इसका IMDb रेटिंग क्या जाने वाला है, ये डेफिनेटली 7+ जाएगा। और इसका रिलीजिंग डेट क्या है, 30 अप्रैल 2021, और ये थिएटर में आने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। और आपको इस मूवी के लिए कितना समय देना होगा, तो सिर्फ 2 घंटे 56 मिनट, जो कि अप्रोक्स 3 घंटे का है। अब चलिए मैं थोड़ा सा और भी आगे का डिटेल बता देता हूँ, जैसे ये मूवी कौन से कंट्री से ओरिजिन है, डेफिनेटली इंडिया। साउंड क्वालिटी कौन सा रहेगा, डिजिटल डॉल्बी, पिक्चर क्वालिटी फुल HD, स्पोकन लैंग्वेज डेफिनेटली हिंदी विथ मल्टीपल सबटाइटल, और माइट भी आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में दे दें, क्योंकि रोहित सेठी साउथ को भी टारगेट करके ये मूवी को डब करके वहां के भी लोकेशन पे आपको मूवी थिएटर में रिलीज करते हो। तो ये रहे हमारा सारा डिटेल फ्रेंड्स। चलिए मैं फटाफट आप लोग को अब क्या बता देता हूँ इस मूवी का जेनरस में क्या है, एक्शन और थ्रिल। फ्रेंड्स चलिए मैं फटाफट अब आप लोगों को क्या बता देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पेरेंट गाइडलाइन होता है, जो पेरेंट बहुत चिंता करते हैं। तो मैंने जब ये ट्रेलर एंड टीजर देखा तो मेरे को लगता है कि इस मूवी में सब कुछ रहेगा, जैसे प्रोविडेंट सीन डेफिनेटली रहने वाला है, स्मोकिंग, एल्कोहल, अब्यूजिस लैंग्वेज, इंस्टेंस फाइटिंग और वायलेंस कूट कूट के भरा, क्योंकि ये रोहित शेट्टी का मूवी है तो डेफिनेटली उसमें तो स्टंट रहेगा और वायलेंस और इंस्टेंट फाइटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये रहा हमारा सारा डिटेल फ्रेंड्स। अब चलिए मैं फटाफट आप लोगों को टॉप कास्ट बताऊंगा, फिर थोड़ा सा बताऊंगा अपना प्रीव्यू, फिर थोड़ा सा स्टोरी लाइन, और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रिव्यू और मूवी देखने के बाद कैसा लगा। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉप कास्ट। जो हमारे पहले टॉप कास्ट है उनका नाम है अक्षय कुमार एज ए वीर सूर्यवंशी। जो हमारे दूसरे टॉप कास्ट है उनका नाम है अजय देवगन एज ए बाजीराव सिंघम। जो हमारे तीसरे टॉप कास्ट उनका नाम है रणवीर सिंह एज ए भाला राव संग्राम। और जो हमारे चौथे टॉप कास्ट उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जो हमारे पांचवे टॉप कास्ट उनका नाम है गुलशन ग्रोवर। जो हमारे छठे टॉप कास्ट उनका नाम है अनुपम खेर। और हमारे आखिरी जो टॉप कास्ट है वो एक एक्ट्रेस है और उनका नाम है कैटरीना कैफ, और इस मूवी में उनका नाम रहता है अदिति सूर्यवंशी। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे मेन टॉप कास्ट। फ्रेंड्स चलिए मैं फटाफट थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूँ कि ये मूवी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। जैसे मैंने ट्रेलर और टीजर देखा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मसाला कूट कूट के है, एक्शन ड्रामा इंस्टेंस फाइटिंग से भरपूर है, क्योंकि ये रोहित शेट्टी का। और इसमें मेन बात है 3 मेन हीरो है, जैसे अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह, और जो हमारी मेन एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ। तो ये ले दे के मूवी, ये जब इतने सारे मेन टॉप कास्ट है तो मूवी बहुत टॉप होने वाला है, मजेदार होने वाला। और क्यों नहीं देखना चाहिए, तो अभी तक मैंने जब ट्रेलर और टीजर देखा तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन इतने सारे टॉप कास्ट को भर दिया। और ये मूवी किस पे राउंड एंड राउंड घूमता है, पुलिस क्राइम एक्टिविटी, जो कि रोहित शेट्टी का ये बरसों से चलते आ रहा, तो ये उसी बेस पे है, तो कोई नया मसाला ये नहीं लेके आया। तो नहीं देखना है तो इसी वजह से नहीं देखना है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं फटाफट आप लोगों को क्या बता देता हूँ स्टोरी लाइन। फ्रेंड्स स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया कोई बात नहीं, मेरा कॉन्टेंट देखिए, यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन और बूस्टअप मिलता है, और आप मेरे को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम फटाफट आप क्या शुरू करते हैं स्टोरी लाइन थोड़ा सा, और आप फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इस मूवी में होता क्या है कि जैसे ही आप ये मूवी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई पे हमला आपको पास्ट में हो चुका है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, और आपको बम और बस ब्लास्ट, और फिर हमारा ताज पे ब्लास्ट हुआ था। तो ये मुंबई पे आतंकवादी का जो इतना टेररिस्ट अटैक करता है उसको फ्री करने के लिए कौन एंट्री लेते हैं, धमाधम, उसके बाद वो पूरा ATS वाले को बुलाते हैं, और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये RDX कहाँ से आया, ये बम ब्लास्ट कौन किया।
उसके बाद उनका साथ देने आता कौन, अजय देवगन और रणवीर सिंह। लेकिन ये तीनों तो एक गुट रहते हैं, मगर उनको तोड़ने के लिए कौन आता है, हमारे गुंडे, एक मेन विलेन बने हुए कौन, जो कि जैकी श्रॉफ। और वो बोलते हैं कि वो तीन है तो मैं अकेला काफी हूं इस मुंबई को हिलाने के लिए। उसके अजय देवगन रहते हैं और कौन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह, पूरा अपना गैंग बनाते हैं, किसके साथ, एटीएस के साथ, ब्लैक कमांडो के साथ, और सबको कहां क्या करते हैं, सबको धड़ाधड़ गोली मारते, छापा मारते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे ये किया। और उसके बाद फिर जैकी श्रॉफ का और दो तीन गुंडा आता है, और इधर जैकी श्रॉफ का गुंडा और इधर एटीएस का, और जो कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह मिलते हैं, क्लासेस होता है और उसके बाद ये मूवी चलता है। तो ले दे के मूवी आपको ये मुंबई को बचाने के लिए है, तो ये मूवी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि तीन टॉप कास्ट है और एक मेन एक्ट्रेस एज ए कैटरीना का, तो मेरे को लगता है ये मूवी बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय, एंजॉय।